बहुत बच्चे तो कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ। क्या क्या शर्त रखते हैं? हमको इस नौकरी धंधे से छुड़ाओ तो हम ईश्वर सेवा में लग जाएंगे। अरे ये नौकरी धंधे का जो बंधन डाला है वो बाबा ने डाला है क्या तुम्हारे लिए? ये पूर्व जन्म में हमने ही डाला है। कुछ आत्मा ऐसी होती है ऐसा जन्म लेती है ऐसे घराने में जन्म लेती है कि उन्हें धन कमाने का कोई चिंता ही नहीं, मुहैया धन है, कोई फिक्रात नहीं, कोई धंधा धोरी आदि करने की नौकरी करने की बिल्कुल दरकार ही नहीं। तो उन्होंने जो अपना भाग्य बनाया है वो पूर्व जन्म से बनाया है या बाबा उनका भाग्य बनाते हैं? उन्होंने भी बनाया। और जो अभी धंधे धोरी में लगे हुए हैं उन्होंने भी अपना बंधन अपने आप ही बनाया। तो कहते हैं हमको नौकरी धंधे से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाएंगे, ये शर्त रखते हैं। बाबा भी देखेंगे, क्या देखेंगे? उनसे पोता मिल मांगेंगे। बाबा देखेंगे कि इनके पास जो पूंजी है वो बरोबर है, नौकरी से या धंधे से जो कुछ भी इन्होंने इकट्ठा किया है वो इतना इनके पास है कि ब्याज लेते रहें, खाते रहें और आने जाने की ईश्वरीय सेवा में लगाते रहें। पूरा पोता मिल जाएंगे तभी तो बाप को पता पड़ेगा। तो बाप कह देंगे अच्छा छोड़ दो, लगो इसी ईश्वरीय सेवा। तो बोला बरोबर इनकी पूंजी है, बंधन मुक्त हो सकते हैं, कोई तो बंधन मुक्त भी है। क्या कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी करें धंधा करें? तब कहेंगे भले 500 कमाने से 500 रुपया पर माह तुम कमाओ, 8 घंटे देते रहो, उससे तो अच्छा उन कौड़ियों को कमाने से अच्छा क्या है, तुम इसी ईश्वरीय सेवा में लग जाओ, तुमको कोई पैसे की कमाई का बंधन तो है नहीं, बहुतों को कल्याण करेंगे। अगर बंधन मुक्त हैं तो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे, क्या कहा ऐसे ही नहीं कह देंगे कि नौकरी धंधा छोड़ दो, क्या देखेंगे? ये सर्विसेबल हैं, इनकी सर्विस करने की प्रैक्टिस है, अंदर से लगन है विश्व कल्याण की। अगर ये लगन नहीं है तो कहेंगे तुमको माया खा जाएगी, क्या तुम बेकार बैठेंगे तो वर्कशॉप बन जाएगा, एम्प्टी माइंड किसका वर्कशॉप है, शैतान का वर्कशॉप बन जाता है।